नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक कांग्रेस की मार्च करने की तैयारी, उससे पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी को महंगाई का झटका, आरबीआई ने बढ़ाया रेपो रेट, लोन की ईएमआई में होगा इजाफा। पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति को उतारा मौत के घाट, सिंगत में प्रोफेसर की हत्या का खुला राज। अब खबरें विस्तार से। ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस नेता दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक कांग्रेस मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज देश में लोकतंत्र नहीं है, इसके परिणाम भुगतने होंगे। आज देश में चार लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम उसे लेकर चर्चा करना चाहते हैं। हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है, संसद में चर्चा नहीं होती है, हमें गिरफ्तार किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल का हमारा लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो विपक्ष लोकतंत्र में लड़ता है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पर लड़ता है। जो देश की न्यायपालिका और मीडिया होती है उसके बल पर विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन आज ये सभी इंस्टीट्यूशन सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं। सरकार ने अपने लोग यहाँ बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का हर संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर कोई विपक्ष को समर्थन करना चाहता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल इरविन में आईसीयू बेड की संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी। अमरावती जिले ने कोविड के लिए मिली राशि से आईसीयू बेड खरीदे हैं। इसलिए अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी है कि इरविन में 40 नए आईसीयू बेड और 21 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड लगाए जाएंगे। कोविड के लिए मिली राशि से 40 आईसीयू और 21 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड खरीदे गए हैं। इसीलिए जल्द ही इस बेड को अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ लगाया जाएगा और एसी का काम पूरा कर लिया गया है। डॉक्टर ने बताया कि जल्द ही ये सुविधाएं मरीज की सेवा में उपलब्ध होंगी। ती वाट अशी झाली आहे की जे कोविड इमर्जन्सी फंड होता आपल्याकडे, त्या कोविड इमर्जन्सी फंड मध्ये सध्याच्या परिस्थितीत म्हणजे कोविड रुग्णासाठीच आपण ते आयसीयू तयार केले होते, परंतु आता कोविडचे रुग्ण कमी असल्यामुळे म्हणून आता ते आपण जनरल जे पेशंट आहेत त्याच्यासाठी आता आपण त्याचा उपयोग करणार आहे। तोच आपला कोविड इमर्जन्सी फंड म्हणून आला होता, परंतु आपण तो आता त्याचा उपयोग करून कोविड माध्यमातूनच पण जनरल पेशंटला वापरत आहोत। आपण कसे होणार आता आपले टोटल 40 बेडचे आयसीयू आहे आणि छोट्या मुलांसाठी 21 बेडचे आहे, आणि जे 40 बेडचे आयसीयू आहे ते 6 नंबर, 8 नंबर आणि 10 नंबरमध्ये होणार आहे, आणि जे पेडॅटिकचे आहे लहान मुलांसाठी ते 21 आयसीयू आहे ते 5 नंबरला होणार आहे। टोटल आयसीयूची बेड संख्या आता 67 राहणार साठी सुद्धा केलं जाणार नाही। कोविड म्हणजे पेशंट जर कोविडचे आले तर आपण कोविडसाठी उपयोगात करू, जर नसले कोविडचे पेशंट तर आपण जनरलसाठी वापरण्यात येईल। टोटल बेड आहेत आपल्या इथं 379। आता त्यामधून काही कमी होणार आहेत का? नाही, सध्या तरी नाही आहे कमी, तेवढीच आहे, वाढली नाही कमी नाही, तेवढीच आहे 379। आरबीआई की 2 दिवसीय मौद्रिक समीक्षा नीति बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.5% यानी 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद आपकी ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। आरबीआई की 2 दिवसीय मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.5% यानी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद आपकी ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। आपको बता दें कि एक बार फिर आरबीआई ने रेपो रेट को कोरोना महामारी के पहले के रेपो रेट यानी 5.5% के करीब 5.4% कर दिया है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर,
मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। यवतमाल के महागांव तालुका के काली टेम्भी में स्थित नाले में आई बाढ़ में एक महिला गाड़ी और बैल के साथ बह गई। बह गई महिला का नाम 50 वर्षीय कमलाबाई पवार है, जिसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। घटना में दो बैल और एक गाड़ी बाढ़ में बह गई है। सौभाग्य से कमलाबाई और मारुति पवार के साथ रहने वाली दोनों महिलाएं बच गई। ये घटना कल दोपहर के दौरान हुई। मुदाना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नाले में भीषण बाढ़ आई है। संबंधित गांव के तलाठी डीबी चौहान और सिस्टम मौके पर पहुंचकर बह गई महिला की तलाश कर रहे हैं। उमरखेड़ के एक प्रोफेसर का शव दिग्रस तालुका के सिंगद में एक नाले में एक पुल के नीचे मिला था। पुलिस ने आखिरकार इस हत्याकांड को सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अनैतिक संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति की हत्या कर दी थी। 1 अगस्त को एक अज्ञात शव दिग्रस तालुका के सिंगन में एक पुल के नीचे मिला था। पुलिस ने फौरन जांच शुरू कर दी तो पता चला कि लाश उमरखेड़ के प्रोफेसर सचिन वसंतराव देशमुख की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी हत्या की गई है। 32 वर्षीय सचिन वसंतराव देशमुख, इनकी हत्या के संदर्भ में गुनाह दाखिल किया गया था। गोपनीय सूचना के आधार पर दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पत्नी वन विभाग में वन रक्षक के पद पर कार्यरत है, जबकि उसका प्रेमी वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर कार्यरत है। इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच स्थानीय अपराध शाखा और साइबर सेल की टीम कर रही है। गावाजवळच्या नदीवर जो ब्रिज आहे त्या पुलाखाली आपल्याला दिनांक 1 ऑगस्टला दुपारी 4 नंतर एक बॉडी सापडली होती। तर त्या बॉडीची माहिती घेतली, त्यामध्ये त्या व्यक्तीचं नाव जे आहे ते सचिन वसंत देशमुख राहणार उमरखेड असं निष्पन्न झालं। सुरुवातीला तो संशयास्पद प्रकार वाटल्यामुळे त्याचं जे PM आहे ते आपण यवतमाळला शासकीय रुग्णालयातमध्ये केलं। त्याच्यामध्ये गळा दाबून मृत्यू असं कारण आल्यामुळं हा नॅचरल डेथ नसून आपल्याला तो मर्डर आहे निष्पन्न झालं। त्या अनुषंगानं मग मर्डरच्या अनुषंगानं तपास करणं चालू झालं। त्यामध्ये आमचे लोकल आपले दारवाडी YSP मिरखेलकर साहेब, आमचा LCBचे परदेशी साहेब आणि त्यांची टीम, सायबरचे आमची टीम, त्यांनी त्याचबरोबर उमरखेडचे आमचे जे पोलीस आहेत PI माळवे आणि त्यांची टीम, या वेगवेगळ्या स्तरावर याचं चौकशी चालू झाली। त्यामध्ये बाबा याचं नक्की कारण काय असावं याविषयी माहिती घेण्यात आली।
टेक्निकल माहिती घेण्यात आली, त्याचबरोबर आमच्या लोकांनी आमच्या गोपनीय माहिती प्राप्त केली. आमची ELCB ची टीम वगैरे अकोट परतवडा या एरियामध्ये जाऊन आली. त्यानंतर हळूहळू एक एक गोष्ट ओपन झाली. तर याच्यामध्ये आता सुरुवातीला आम्ही तपासाच्या प्रायमरी स्टेजवर आहे, परंतु याच्यामध्ये प्रथमदर्शनी हा अनैतिक संबंधातून हा खून झालेला आहे अशी शक्यता पुढे येत आहे. प्रायमरी स्टेजला असल्यामुळं आम्ही जास्त सांगू शकत नाही, पण याच्यामध्ये मृतकाची पत्नी धनश्री देशमुख आणि एक फॉरेस्ट गार्ड आहे परतवडा या ठिकाणी काम करणारा शिवम बचले म्हणून, यांचा दोघांचा सहभाग आत्तापर्यंत निष्पन्न होत आहे. त्या पद्धतीने आम्ही तपासात पुढे जात आहोत आणि जी अपडेट असेल आपल्याला कळवणे. संगीत ईश्वर से जुड़ने का एक प्रभावी माध्यम है और इसका अभ्यास करने से मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है. संगीत के इस स्वाभाविक क्षमता के कारण बच्चों में बचपन से ही शारीरिक और बौद्धिक विकास प्राप्त करने के लिए संगीत के प्रति रुचि विकसित करना आवश्यक है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि शास्त्रीय संगीत की आध्यात्मिक महानता राग रंजन पुस्तक में सन्निधित है और ये इस क्षेत्र में करियर बनाने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगा. राजभवन के दरबार हॉल में डॉक्टर तनुजा नाफड़े द्वारा लिखित पुस्तक राग रंजन का राज्यपाल कोश्यारी के हाथों प्रकाशन हुआ. वो इस मौके पर बोल रहे थे. महामेट्रो की ओर से नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत नॉन फेयर रेवेन्यू बॉक्स की योजना के तहत मेट्रो स्टेशनों पर छोटे माध्यम और बड़े व्यवसायियों के लिए व्यवसाय हेतु जगह उपलब्ध कराई गई है. मेट्रो स्टेशन पर व्यावसायिक जगह के लिए व्यापारी वर्ग का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. विविध मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध जगह के लिए निकाले गए टेंडर में 14 स्थानों के लिए अनेक व्यवसायियों ने रुचि दिखाई है. महामेट्रो की ओर से आय के स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से विविध उपक्रम भी लागू किए गए हैं. इनमें प्रमुख रूप से मेट्रो ट्रेन की रैपिंग, मेट्रो स्टेशन को ब्रांडिंग, मेट्रो स्टेशनों पर लगाए गए स्क्रीन पर विज्ञापन प्रसारित कर महामेट्रो राजस्व आवक में वृद्धि कर रही है. इसी तरह महामेट्रो ने सड़क दुभाजक की देखभाल और रखरखाव संबंधी प्रावधान किया है. इसमें विज्ञापन संबंधी बोर्ड भी लगाए जा सकते हैं. दो पिलरों के बीच की जगह का उपयोग भी विज्ञापन बोर्ड के लिए किया जा सकता है. तत्संबंधी विस्तृत जानकारी महामेट्रो की वेबसाइट पर या मेट्रो भवन स्थित संपत्ति विकास विभाग से प्राप्त की जा सकती है. मेट्रो ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. महामेट्रो द्वारा निकाले गए टेंडर में लघु, मध्यम और बड़ी जगह के लिए व्यवसायियों ने रुचि दिखाई है. इन मेट्रो स्टेशनों में छत्रपति स्क्वायर मेट्रो स्टेशन, कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन, सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन, जीरो माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन, लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन, धर्मपेट कॉलेज मेट्रो स्टेशन, शंकर नगर मेट्रो स्टेशन आदि जगहों का समावेश है. तो VKB न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.